बैठक चल रही थी और इस बैठक के संचालन कर रहे और पूर्व में आप इस विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे आदरणीय राजेश कुशवाहा जी, हम आपसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज समाज से संबंधित बैठक थी तो यहाँ पर किस तरह से समाज के लिए आगे की रणनीतियाँ तैयार की गई, समाज के लिए किस तरह की बातचीत की गई, इससे संबंधित महोदय आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुशवाहा महासभा के तत्वाधान में ये बैठक आयोजित की गई थी क्योंकि कोरोना से पहले एक मजबूत जिला सम्मेलन यहाँ के सभी लोगों ने, समाज के लोगों ने मिलकर के किया था जिसमें सभी लोगों की सहभागिता थी। इसके बाद कोरोना आया और 2 साल के बाद कोई हम लोग बैठक नहीं कर सकते। ये कुशवाहा महासभा के अंतर्गत ये बैठक है जिसमें यह चर्चा शुरू से ही किया जाता है कि गाजीपुर जो जमीन है वो समाज के लिए उर्वर जमीन है। राजनीतिक रूप से हमेशा यहाँ के लोग जो है कहीं न कहीं, चाहे वो किसी भी दल में रहे हों, और वो विधायक और सांसद और जनप्रतिनिधि होने का काम किया है। और आज से नहीं बल्कि 1960 के दशक से लेकर के 2000 के दशक तक लोग हमेशा बढ़ते रहे। तो हम लोगों का मजबूत संकल्प यही रहा है कि समाज किस तरीके से आगे बढ़े, उसका आर्थिक विकास हो, उसका सामाजिक विकास हो और राजनीतिक भागीदारी हमें कैसे प्राप्त हो। और इसी के साथ आज के बैठक में उपस्थित थे एशिया के सबसे बड़े ग्राम जो गाजीपुर में वो गांव निवास करता है, ग्राम सभा गहमर के पूर्व में प्रधान रहे मुरली कुशवाहा जी, जो इस बैठक में उपस्थित थे। आइए हम जानते हैं महोदय, आज की बैठक से संबंधित किस तरह की चर्चा हुई और आप लोग समाज को आने वाले समय में किस तरह का मार्गदर्शन दे रहे हैं। महोदय, प्रधान महोदय। मैं मुरली कुशवाहा, पूर्व प्रधान गहमर और जो है भाजपा का वरिष्ठ नेता प्रभारी जमनिया विधानसभा के हैं। मैं जो है इस मीटिंग में आया था, भाई जगदीश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा या पूरा कुशवाहा संघ मिलकर के इसको रखा था। इसे सफल बनाना हमारा कर्तव्य था और जो है हम लोग ब्लॉक से लेकर, गांव से लेकर, जिले से लेकर के और प्रदेश और देश में पहले भी हमारा संगठन चलता था। इधर कुछ हरासमेंट हुआ है, उसी को मेकअप करने के लिए, उसी को जागृत करने के लिए संगठन बनाया गया है और भविष्य में यह संगठन बहुत बड़ा काम करेगा और यह निर्धारित करेगा हमारा भी जो है राजनीति में सम्मान हो, हमारे भागीदारी दिया जाए इसी की। महोदय, जैसे आप कह रहे हैं कि बीच में कुछ हरासमेंट हुआ है तो अब तो आप लोगों के शरीर में भी हरासमेंट हो गया, तो नौजवानों के लिए इसके संबंध में क्या कहना है? नौजवानों के लिए मार्गदर्शन हम लोग किए हैं कि हमारे जगदीश कुशवाहा, उमा शंकर कुशवाहा, प्रभूषण कुशवाहा, राम जी कुशवाहा, जयराम कुशवाहा, ऐसे जब संगठन मजबूत था तो ऐसे सांसद विधायक होते थे। इधर के काल में देख लीजिए, कोई सांसद विधायक न होने की वजह से हम लोग को परेशानी है। उसी संगठन को मजबूत करके हम आगे जो है समाज को मजबूत करके अपना हिस्सा लेकर के विधायक और सांसद बनाना। जैसे ये पूर्व की बातें रही तो जब उस समय आप लोग नौजवान रहे होंगे और इस तरह का मूवमेंट चला करके समाज का प्रतिनिधित्व दिए थे, बीच में जो हरासमेंट हुआ इसका मतलब नौजवानों में वो मूवमेंट पहुंच नहीं पाया था, तो आज के समय में आप नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नौजवान को क्या कहना कि नौजवानों को मार्गदर्शक की जब हम दौरा जमानिया है, जमानिया कुशवाहा संघ का अध्यक्ष थे, तो जितेंद्र अध्यक्ष रहे अपने घर का खाना हम नहीं खाए, दूसरे के यहाँ खाते थे, उसका काम करते थे और समाज का जो है मिशी करके समस्याओं का समाधान करते थे। मैं एशिया के सबसे बड़े गांव का प्रधान रहने के नाते गहमर थाने में, सुहोल थाने में और दिल्लारंग में हम अब जो चाहते थे ईमानदारी से काम कराते थे क्योंकि हमारी बिरादरी जो है, हमको बिरादरी का संरक्षण चाहिए। अब जो है थोड़ा जनप्रतिनिधियों के न होने की वजह से हमको समझिए कि संरक्षण नहीं मिल रहा है, हम लोगों को विशेष रूप से प्रसारित किया जा रहा है या संगठन के मामले से, तो राजेश जी ने जिम्मा लिया है और लोगों ने, सब लोगों ने हम लोग जिम्मा लिया है, निश्चित जो है हम सफलता करेंगे और सांसद विधायक बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाणक्य ने तो उसी तरह से कुशवाहा समाज के लोगों ने, मैंने लिखा है उसमें भाई आपको चाहिए कि कौन चाणक्य यहाँ का बने जिले का कुशवाहा समाज का, उसको आपको चुनना है। तो यही हमारी योजना थी कि कम से कम जो नौजवान बढ़ते हुए हैं उनको शक्ति मिले और एक लाइन पर आकर के आने वाले अपने को किसी को नेता चुन करके भविष्य में समाज का उज्जवल भविष्य बनावे और अपना बनावे, यही हमारे कुशवाहा समाज का। महोदय, जो आप मूल मंत्र आज दिए हैं नौजवानों को, तो उसमें से एक आप हमारे चैनल के लिए भी बताना चाहेंगे, वो जो
दिए हैं आप जो कागज पर लिख करके चाहते हैं कि आपके साथ हमारे चैनल में उसमें दिया है, जिसे चाणक्य ने इस बात को कहा है कि वर्तमान चाणक्य ने कहा है वर्तमान ही वह पीठिका है जो कि वर्तमान में खड़ा हो सकती है और भविष्य में न खड़ा होगी न अतीत में खड़ा होगी। जब तक हम वर्तमान में खड़े नहीं होंगे तब तक हम किसी के विषय में जानेंगे नहीं। तब तक आप अपने भविष्य को संवारने के लिए वर्तमान में खड़ा होगा, न कि हमारे बुद्ध क्या कह रहे हैं, हमारे कौन क्या कह रहा है, उनसे सिर्फ शिक्षा लेकर के वर्तमान में हम उनकी जो खोई हुई ताकतें हैं उसको कैसे हम बरकरार करें, ये हमारी योजना है। आप बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद के भी बहुत बड़े फॉलोअर हैं और उनके हमेशा अपने कार्यक्रमों में बात भी करते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ बातें जो आज के नौजवानों के लिए ग्राह्य हो, जो उनके लिए उपयोगी समझ में आ रही, कुछ बताना चाहेंगे? जगदेव प्रसाद जी एक बहुत ही अपने समय के क्रांतिकारी नेता, वो एक मर्तबा दिल्ली से आ रहे थे तो उनके साथ एक रसा का जो है एक आ रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का जर्नलिस्ट था, उसने इस अध्ययन करने के लिए कि हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की क्या दशा है, तो बाद में इनको खदड़ में देखा, लगा कि ये नेता है तो उनका परिचय पूछा, तो उनके बगल में कुर्सी खाली थी तो हवाई जहाज मुझे आपके साथ में बैठ सकता हूँ, उनको शहर को बैठी बैठ गए तो बातचीत होती रही, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं, जब वहाँ सरवारा की बात करते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। उन्होंने कहा कि भाई देखिए आपके कम्युनिस्ट पार्टी से और हमारे यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के बड़ा अंतर है, आप सरवारा की बात कर रहे हैं तो उनका विचार जो सही माने में है कि नहीं हमारे देश में जितने लोग हैं रसावसाने उनका सरवारा मतलब हर तरफ से उनके विचार अच्छे हैं कि अपनी उनकी उन्नति कैसे हो उस प्रकार का उपयोग है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत अंतर है, हिंदुस्तान जातियों का देश है, तो हिंदुस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसमें बड़े जाति के लोग उसके नेतृत्व करते हैं, तो कभी भी छोटे जो शोषित आदमी है उसका ये लोग हेल्प नहीं करेंगे, इसलिए मैं कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात कहा था यहाँ क्रांतिकारी साथियों से कि जब हुए तो उन्होंने कहा कि इस देश में दो जातियां, एक शोषक और एक शोषित, तो शोषित की संख्या 90% है और शोषक की 10% है, लेकिन हमारे ऊपर राज्य करते हैं और हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, उस जुल्म को मिटाने के लिए हमें जागना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, ये सब कुछ लिखा। और एक लाइन जो मैं पीछे लिखा हूँ अंतिम है उसमें, उसको भी उसमें जोड़ दीजिएगा, ये उनकी विचारधारा है, इसलिए मैं उनकी क्रांतिकारिता से, मैं भी अपने समय में जवानी में क्रांतिकारी के रूप में था, मैं किसी से दबा नहीं न कभी झुका और हमेशा जुल्म के खिलाफ, जिस प्रकार से जगदेव प्रसाद जी जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं उसी तरह से मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ। और इसी के साथ आज जो कुशवाहा जिला संघ की बैठक थी गाजीपुर में, इस संघ में उपस्थित थे जिले के बहुत ही वरिष्ठ और पूर्व में एमएलसी रहे ब्रजभूषण कुशवाहा जी, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है समाज के लिए, जिनका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है समाज के लिए, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि महोदय आप समाज के लिए, नौजवानों के लिए और सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से? हमारा संगठित होगा तभी समाज में सम्मान पाएगा, देश में सम्मान पाएगा, और हमारा ही समाज नहीं, जो संगठित होता है वो समाज में सम्मान पाता है और जो असंगठित रहता है वह समाज कभी भी सम्मान प्राप्त नहीं करता। इसलिए मैं अपने समाज के लोगों से एक ही आह्वान करता हूँ कि संगठित होकर खड़े हो। जैसे महोदय, जैसे बैठक में चर्चा हो रही थी कि एक समय था जब गाजीपुर में कई समाज से प्रतिनिधित्व हुआ करता था, फिर बीच में हरासमेंट हुआ, तो महोदय आज जो नौजवानों में उस हरासमेंट की वजहें हैं या जो गिरावट आई है सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में, इसके लिए आप लोग किस तरह का संदेश नौजवानों को देना चाहते हैं? जब भी जीत हुई है समाज से संगठित होने के कारण बन रहे,
आगे भी मेरा यही कहना है कि समाज नौजवानों को आगे करके संगठित खड़ा करे, आगे फिर सम्मान मिलने वाला है। जैसे आज जो हमारा समाज है अलग अलग संगठनों में या अलग अलग पार्टी के माध्यम से जो बटा हुआ है, तो इसके लिए आप किस तरह की योजना बनाते हैं कि समाज संगठित हो जाएगा? हम ऐसा लगता है हमको कि समाज यह धीरे धीरे समझने लगा है कि हम जहां हैं वहां रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से हम बात कर रहे थे पूर्व MLC साहब से, जिनको आज पूरा जिला संघ जो है अपने अभाव के रूप में यहाँ सम्मान दिया। और आपका जो आज का उद्देश्य रहा कि नौजवानों को भी जिस तरह से कभी जिला में एक एकता थी और संगठन था जिसके माध्यम से जिला को प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, आज के नौजवानों को भी संगठित रहना चाहिए। महोदय, आप हमारे चैनल के लिए अपनी बातचीत के लिए समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।